साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक ये तन सार ये श्लोक कहता है भजन वही कर सकता है जिसको ये निश्चय हो कि भजन के अलावा और कुछ साथ जाएगा नहीं। जिसका ऐसा निश्चय ना हो उसका मन विषय जिसे हम भिक्षा कहा गया है उससे बाहर नहीं आएगा और जिसका मन विषय वासना में लीन है वो भजन नहीं कर सकता। जिसे सारा समय यही चिंता हो मैं क्या खाऊं कहाँ घूमने जाऊं कौन सा जेवर पहनूं किस वोकेशन के पॉइंट पर जाऊं, जिसके दिमाग पर पूरे समय काम उत्तेजना भरी हो भजन नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब इंद्रियां खींच के संसार में ले जा रही हों तो इंद्रियां जहां जाएंगी मन वहीं जाएगा। अब आपकी बुद्धि में एक छोटा सा ख्याल उठता है भजन करना चाहिए, वो आपकी इच्छा नहीं है, सत्संग में लानते पड़ती रहती, सुन सुन के ईगो हर्ट होती कि निकम्मे हो अगर भजन नहीं करते। वाणी में आया ना, मूड हो, मुगध हो, गंवार हो, अंधे हो, पागल हो, मतिहीन, मंदमति, ऐसे अंदर थोड़ा ईगो को कष्ट होता, हम इतने बुरे हैं क्या? सो टू प्रूव द पॉइंट दैट वी आर नॉट बैड, लोग भजन करने लग जाते। ये करे भगत आत्म के चाय, आत्मा के चाव में नहीं शुरू करता, रिटेलिएटरी रिएक्शन, बदला। बोलने वाले सुनाने वाले कह रहे हैं नहीं कुछ करता, नहीं कुछ करता, नहीं और करके दिखाऊंगा, ये रॉन्ग रीजन। वजन करने का ये बिल्कुल गलत कारण, दिस इज नॉट फेयर। अब जोश में आके वजन करना शुरू तो कर लेगा पर चूंकि मन उसमें नहीं है तो जल्दी ही भाग जाएगा उसमें से। मुझसे हमेशा यही लोग पूछते हैं, हम वजन करना तो चाहते हैं पर जब करने बैठते हैं होता नहीं है, मन यहां वहां चला जाता है, बड़ा दुख होता है, करना तो चाहते हैं होता नहीं। मैं ये क्या बात हुई? मन विषयों में अगर है तो वो मन भजन नहीं कर सकता। ये गुरुदेव एक रूल दे रहे, एक प्रिंसिपल है ये। सो आस्क योर माइंड, व्हाट डज योर माइंड वांट टू डू? सी वेयर इज योर माइंड स्टैंडिंग, मन खड़ा कहां है तुम्हारा? अगर मन आपका विषयों में है भजन नहीं होगा। अच्छा, विषयों में मन किसका है जिसको ये भूल गया है कि
यहाँ हम हमेशा के लिए नहीं है, कुछ साल मिलते हैं हमको इस धरती पर जीने के लिए। एवरेज देख लीजिए आप अपने घर में, शायद आपके पूरे खानदान में कोई होगा जो 90 या 95 पार किए होगा, ज्यादा करके 60, 65, 70, 75। आप अपनी उम्र देख लीजिए, आप किस उम्र पे है, आपके घर की जो एवरेज उम्र चल रही, हालांकि ये स्टैंडर्ड रूल नहीं है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता, बट स्टिल एक एवरेज निकाल लीजिए। अगर एवरेज 70 निकल रही है और आपके 30 वर्ष निकल गए हैं तो बाकी क्या बचे? ये हाइपोथेटिकल है, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फिर भी 40 वर्ष जिएंगे। एवरेज घर की 65 निकल रही है, आप 55 के हो गए, आप 60 के हो गए, कितनी उम्र बची? तो ये अलग से समझाने की क्या जरूरत होनी चाहिए कि तुम यहां हमेशा नहीं रहोगे? वाणी में एक पंक्ति आती, जननी जानत सुत बड़ा होते है, इतना न जानत दिन दिन औध घटत। जन्मदिन आता बच्चे का, माँ खुश होती, बच्चा बड़ा हो गया। बोले वो बेवकूफ समझ नहीं रही है बच्चे की उम्र कम हो रही है। अगर वो 60 लाया था, 16 निकल गए, कम हो रही ज्यादा हो रही? औध आयु, आयुष, दिन दिन औध घटत, हर दिन जो जा रहा है वो हमारी आयु से एक दिन माइनस कर देता है। सो बर्थडे इज नॉट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन, बर्थडे शुड बी डे ऑफ कंटेम्पलेशन, बर्थडे शुड बी डे ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। विचार करें, वेयर एम आई, व्हाट हैव आई अचीव्ड, क्योंकि चिता की अग्नि में साथ तो कफन भी नहीं जाएगा। साथ न चाले बिन भजन, बिना भजन के कुछ नहीं साथ जाना। और संसार बोले छार है, बिख्या सगली चार, संसार छार, छार मने असार, यूजलेस। देखिए आप एक एक पंक्ति पर ही अगर विचार करने लग जाए ना, तो आपको आपके जीवन की हकीकत क्लियर हो जाएगी, आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ होना चाहिए, ये बिल्कुल स्पष्ट होता है। आज की तारीख में सोना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, गप्पे मारना अच्छा लगता है, ड्रेसअप होना अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कह रही खाओ मत, ड्रेसअप मत हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूं मन तो उसमें मत लगाओ। एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि यू आर टोटली डिअटैच्ड एंड येट यू ईट, यू ड्रिंक, यू ड्रेस अप, यू बिहेव, यू वर्क, सब कुछ होता है। कई लोग कहते हैं इतनी वैराग्य की बातें सुने तो हम दुनिया में कैसे रहेंगे, हमारा व्यवहार कैसे चलेगा। सच तो यह है आपका व्यवहार ज्यादा अच्छा होता है जब आप ये समझते हैं कि आप हमेशा यहां नहीं रहेंगे। देख लीजिए आप जब ट्रेन में, बस में, प्लेन में सफर करते हैं तो आप अपने पड़ोसी के साथ कितने कर्टियस होते हैं, आउट ऑफ द वे। प्लेन में कई बार होता है कि कोई दो लोग हैं और उनकी सीट नंबर अलग अलग हो गया है, वो आके आपसे पूछते हैं क्या आप हमारे साथ सीट बदल लेंगे, हम दो हैं, आप हमारे चेंज। हाँ व्हाई नॉट, मैंने नहीं देखा आज तक फ्लाइट में, कभी किसी को मैंने नहीं देखा जो मना करे, सब दे देते। आ उठते हैं तो एक्सक्यूज मी, और किसी से बात करते हैं तो जी बोल के करते हैं, सर या मैम बोल के करते हैं। व्हाई आर यू सो कोर्टियस? यही अपने कोई बच्चे या रिश्तेदार या दोस्त दिख जाए तो ओए तो ओए तू तड़ाक करते हैं, आप दूसरों के साथ बड़े डिसेंट होते, इजंट इट सो? क्यों?
आपको बुरा इंप्रेशन छोड़ना खराब लगता है, और ये सिविलाइज्ड संस्कृत व्यक्ति की पहचान होती है। वो मीठा बोलता है, बड़ों को सम्मान देता है, बच्चों को प्यार देता है, तो ये कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, हम वही करते हैं। घर वालों के साथ आप इतने कर्टियस नहीं होते। मैंने देखा लोग गाली दिए बगैर बात नहीं करते, जरा सी गलती हो जाए ऐसे सिर पे चढ़ते हैं बीवी के। लेकिन यही कोई दूसरा किसी के घर गए हो और उसने खाना अच्छा ना बनाया हो, तो आप उस घर की महिला को तो गालियां नहीं निकालोगे, नहीं अच्छा लगेगा, नहीं खाओगे, बुरा मुंह बना लोगे, बदतमीजी नहीं करोगे। अब फकीर एक महात्मा एक संत इसी दृष्टि से अपना जीवन जीते हैं, और इसी वजह से वो सबके साथ ही मीठे होते, वो किसी को कड़वा बोल ही नहीं पाते, क्योंकि एवरीबडी इज टेम्परल इंक्लूडिंग हिज और हर बॉडी टू, सबको पैसेंजर मीठा बोलते। गुरुदेव कह रहे हैं हर हर नाम कमावन नानक एतन सार, बस ये कमाई करे यही असली धन है, यही तेरा सार, यही तेरी पूंजी है, यही तेरी प्राप्ति है, यही तेरी अटेनमेंट है, सो बी फोकस्ड ऑन दैट। अष्टपदी में प्रवेश करते हैं, संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार। मिलो संतों को, संतों को मिलके क्या करो विचार, किसकी, उस एक की, उसका सिमरन कैसे होवे, नाम का आधार कैसे बने, ये विचार करें। संतों के जाके ये मत पूछता फिरे, जैसे मैंने देखा लोग संतों के जाएंगे तो उनको ये इंटरेस्ट होता है ये पैदा कहाँ हुए थे, ये पढ़े कितना थे। ये सुबह कितने बजे उठते हैं, इन्हें क्रिकेट देखनी पसंद है या नहीं, दे विश टू डिग अप दोज थिंग्स विच आर अननेसेसरी अननीडफुल, जरूरत नहीं है उसकी। संतों के पास जाए ऐसी फालतू की दुनियादारी की बात नहीं करनी चाहिए, इट्स रॉन्ग, इट्स एथिकली रॉन्ग। संतों के जाए विचार नाम की करे, एक की विचार करे, परमेश्वर की विचार करे। अवर युपाव सब मीत बिसारो चरण कमल हृदमयूर तारो। बिसारो मने छोड़ो, उर मने हृदय, बाकी सब चीजों को छोड़िए, अपने दिल में बस उसके चरणों को परमेश्वर को धारण कीजिए, बाकी सब चीजें छोड़िए। अब देखिए जो आदमी ये कहे कि मैं गुरु नानक को प्यार करता हूँ, तो उसके प्यार की हकीकत यह होनी चाहिए कि वो इन पंक्तियों का प्रैक्टिकल कर रहा हो। और उपाव बाकी सब छोड़, सब मीत बिसारो, मीत माने मित्र, ऐ मेरे मित्र बाकी सब चीजें छोड़, बस एक चीज को पकड़ अपने हृदय में, उसके चरणों का ध्यान बना रहे। करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, इसलिए कि परमात्मा ही सबका कारण है और परमात्मा ने ही हम सबको संभाल रखा है। दृढ़ कर गहो, दृढ़ता से नाम को पकड़ो, दृढ़ता से इस नाम का अवलंबन ले लो, ये पकड़ने की चीज है। दुनिया नहीं, दुनिया नहीं। एतन संचो होवो भगवंत संत जना का निर्मल मंत, ये पैसा कमाओ धनवान हो जा, जिसके पास ये है वो धनवान,
जिसके पास ये धन नहीं है वो कंगला है। ये कह रहे संत जनों का यही मंत्र है जो वो सबको देते रहते हैं, सुमिरन करो और मन से वासनाओं को दूर करो। सिंपल। एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे। एक की आशा कर, एक की आशा कर, एक की उम्मीद कर, एक का ध्यान लगा और तेरे सारे रोग मिट जाएंगे। सर्व रोग का औखद नाम, वाणी में एक जगह आया, सब बीमारियों की औषधि दवाई एक ही है, वो है नाम। सब औषधि देखा जाए तो सब रोगों का कारण क्या है? सब रोगों का कारण है अज्ञान, अस्मिता। मैं देह मन बुद्धि से जोड़ ली, मैं सब बीमारियां चालू हो गई। मेरा है कोई लेना जाए, लोभ आ गया। कोई लेने लगे, किसी से बांटना भी पड़ जाए, क्रोध आ जाता है। और जिसके पास है कुछ सामान, तेरे पास नहीं है, ईर्ष्या आ जाती। जो है वो कहीं चला ना जाए, चिंता आ जाती, स्ट्रेस। अज्ञान को मिटाया, रोग मिट गए। अज्ञान किससे मिटेगा? कहा नाम से। नाम है परमात्मा का, तो परमात्मा को जब तक जानेगा नहीं तब तक उसके नाम से प्रीति होगी नहीं, तब तक रोग रहेंगे। जिस सुख को नित बाछ मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुख को तुम ढूंढते हो ऐ भोले प्राणियों, वो सुख तो साधु के संग में मिलता है। तुम कहाँ ढूंढते हो? तुम साधु संग में थोड़ी ढूंढ रहे हो उसको। मैंने ये देखा, अच्छा बड़ा मजेदार बात है ये, यहाँ कितना स्पष्ट लिखा है, सो सुख साधु संग परीत। साधु कौन होता है वो पीछे अष्टपदी में कह चुके हैं। लेकिन अहंकारी कट्टरपंथी मन ये मानने को ही तैयार नहीं है कि कोई इस दुनिया में साधु है। है ही नहीं साधु, पहले होते थे अब नहीं होते, अब कोई साधु नहीं। तब हम किसका संग करें? कह रहे चलो आपस में सब बैठते हैं और हम पाठ करेंगे, होगी साधु संग। ये कैसा साधु संग जहां साधु कोई नहीं? दूल्हा है तो उसके आसपास लोगों को हम बारात बोलते हैं, दूल्हा माइनस कर दीजिए फिर बारात बोलेंगे, फिर कहेंगे भीड़ जा रही। साधु संग करे, साध संग करे, बार बार आ रहा है वाणी में, साधु के संग। लेकिन बिना साधु के 20, 50, 100, 1000 लोग इकट्ठे बैठ जाएं, आजकल वो उसी को साधु संग बोल देते। पीपल विश टू लिव इन देयर ओन पैराडाइज, वेदर इट इज अ फूल्स पैराडाइज दैट डजंट मैटर्स। साधु के संग बैठ, प्रीति जागेगी। प्रीति जागेगी तो फिर तेरे लिए इस मार्ग पे चलना सहज हो जाएगा। जिस शोभा को करे पली करनी, सा शोभा पज हर की सरणी। किसी को मशहूर होने की इच्छा है तो कह रहे शोभा पहले तो भले कर्मों में ढूंढो, बुरे में नहीं। एक आदमी चोरी करता है, डाका मारता है, पकड़े जाने पे जब पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, कहता मशहूर होने के लिए, टीवी में फोटो आएगा, अखबार में फोटो आएगा, इंटरव्यू आएगा, इसलिए। ऐसी शोभा के पीछे मत भाग। गुरुदेव कहते हैं शोभा वही अच्छी जो भले कर्मों से निकले। सा शोभा कैसी शोभा हो वे, सो
जो हमको भले कर्म से मिले, और वो भले कर्म सांस होबा वो कहाँ से मिलेगी, बाज हर की सरणी वो हरि का भजन करने से मिलती। अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हरे औखद लाए। औखद शब्द औषधि का अपभ्रंश है। बोले रोग कैसे मिटते हैं, जब हम औषधि खाते हैं। ऐसे ही तेरे सब मन के जो रोग हैं, ये हर परमेश्वर के नाम की औषधि खाने से ठीक हो जाएंगे। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। सब खजानों का बड़ा खजाना एक ही है, परमेश्वर का नाम। इसलिए अगर तुम ये चाहते हो कि परमेश्वर की दरगाह पे तुम स्वीकृत हो और तुम वहां से धकेले ना जाओ, तो जप, तो जप कर। मन पर बुदो हर कहनाए, देह दिस तावत या बैठाए। मन को कह रहे हैं, रे मन प्रबुद्ध हो, संबुद्ध हो। प्रबुद्ध होने के लिए नाम का आश्रय ले, और फिर देह दिस तावत, ये दसों दिशाओं में भागते हुए मन को ठहराव मिल जाएगा। अभी देखो ना, आपका मन कहाँ कहाँ घूमता है एक सेकंड में। देश, दुनिया, दोस्त यार मित्र, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, फिल्म, सिनेमा, मूवी, म्यूजिक, कहीं भी घूम जाता है विद इन सेकेंड्स। देह दिस तावत, दसों दिशाओं में ये भागते हुए मन को आ बैठाए, वो मन रुक जाता है। ठाए मन रुकना। ताको बिगन न लगे कोए, जाके हृदय बसे हर सोए। बिघ्न मतलब कठिनाइयां, मुश्किलें। भजन करने वाले को कोई मुश्किल नहीं होती। क्यों? उसकी कोई इच्छा नहीं होती है, और इच्छा अपेक्षा वासना को त्याग देता है। तब जो हो ठीक, जैसा हो ठीक, क्या प्रॉब्लम है? ऐसी सोच वाले बंदे को बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? गरीबी है, नो प्रॉब्लम। अमीरी है, नो प्रॉब्लम। दुनिया में बड़ा नाम शोहरत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया वाले गाली दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये देखा, संत को फर्क पड़े ना पड़े, कई बार उसके आसपास जो लोग होते हैं उनको बड़ा फर्क पड़ जाता। अखबार मैगजीन में फोटो आ जाए, बड़े खुश होते। क्या हमारे संतों की ऐसी मशहूरी हो रही? अब लिखने वाले हैं, लिखने वाले कुछ भी लिख सकते हैं। आज तो मीडिया की कलम में इतनी ताकत है, बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा बना दे। इस तरह से स्टोरी लिखते हैं कि पढ़ने वाले उसी को सत्य मान लेंगे, और लोग अखबार पे ऐसे विश्वास करते हैं जितना शायद गीता पे ना करते हूँ। इतना विश्वास अखबार में छपा था। अब अखबार वाले, मैगजीन, मीडिया वाले बना दें किसी को, मिटा दें किसी को। समय ऐसा है, अच्छा लिखा गया बड़े खुश होते, और किसी ने नहीं अच्छा लिखा क्रोध में आ जाते। ऐसा कैसे लिख दिया भाई, उसकी कलम, उनकी मैगजीन, दे कैन राइट एनीथिंग, हाउ कैन यू स्टॉप देम। संत को कोई विघ्न नहीं, भक्त के मन में कोई पीड़ा नहीं। मान करे कोई, अपमान करे कोई, दुनिया का काम है ये। दुनिया और क्या कर सकती,
जुबान है ये इनके पास, 4.5 इंच की ये जुबान चलती है, बोलती है, अच्छा बुरा भला निंदा स्तुति अस्तुति ये निकलता है इसके। आप बड़े दुखी हो जाते हो, भक्त नहीं होता। लेट देम से व्हाट दे विश टू से, अनपरटर्ब्ड अनडिस्टर्ब्ड। वो वही करता है जो उसका विवेक उसको इजाजत देता है, और विवेक से निकला हुआ निर्णय कभी गलत नहीं होता। इसलिए हम ये कह सकते हैं भक्त को कोई मुसीबत नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और जिसको प्रॉब्लम होती है वो भक्त नहीं है। ए ठीक नहीं, ओ ठीक नहीं, ए ठीक नहीं, कई लोगों का एटीट्यूड ये होता है नेगेटिव। वो अच्छा कुछ देख नहीं सकते, अच्छा कुछ बोल नहीं सकते। ऐसे आदमियों को तो कहीं आप भेज दीजिए, वो वहीं परेशान हो जाएंगे। भक्त को कहीं भेज दीजिए, वो हमेशा आनंदित है। कल ताती ठंडा हरना, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म परगास। कल ताती, कल मने कल युग, ये कल युग जलाने वाला है। ताती ताप, तप्त गर्म, और इस तपाने वाले कल युग में ठंडक देने वाला तो एक नाम ही है। अब आपके पास नाम नहीं है तो आप तो जलोगे, आपके पास ध्यान नहीं है आप तो जलोगे। और ये जलाट ऐसी है जो किसी एयर कंडीशनर या किसी माउंटेन रिजोर्ट पे जाने से भी ठीक नहीं होगी। कला क्लेश मन में, लेकिन इसी कलयुग में जिनके पास कहा नाम है ध्यान है, वो नहीं जलते, वो शांत रहते। क्यों? उनके अंदर सुमिरन चलता है, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। सिमरन करते हैं सुख पाते हैं। पाओ बिन से भय दूर हो गया, पूर्ण होए आस। देखिए हमको भय कब होता है? जब हमारी कोई आशा होती है, ये होएगा कि नहीं होएगा, डर आता। जिसके आशा कोई नहीं, उसकी सब आशा पूर्ण हो गई। क्यों? बोले अब आशा ही कोई नहीं। मकान बनाओगे, मकान के गिरने का डर होगा, एक ने मकान बनाया ही नहीं, अब उसको क्या डर होगा? कोई भी नहीं। मन से जब संसार की आसक्ति और ममता को निकाल देता है, आशाहीन हो जाता है, हम कह सकते हैं यही व्यक्ति पूर्ण काम हो जाता है। पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास। ये भक्ति हो रही है, पाए मतलब हो रही है, ये जो भक्ति हो रही है ये किसी और वजह से नहीं, अपने आत्मा के प्रकाश के लिए हो रही है, या यूं कहिए आत्मा के प्रकाश को जानने के लिए हो रही। भगत इसलिए भजन नहीं कर रहा कि उसको भजन से कुछ चाहिए, वो इसलिए कर रहा है ताकि उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो सके। तितकर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी। तित घर जाए, उस घर में, तित माने उस घर में गया और बस गया, और बस गया ऐसे कि अब कोई उसको वहां से हिला ही नहीं सकता। बात समझे इसको, शरीर का घर अविनाशी नहीं, टूटने वाला। दुनिया में ही आपका घर अविनाशी नहीं है, टूटने वाले। अब इन घरों को कोई सच्चा समझ के पक्का डेरा लगा के बैठ जाएगा तो दुखी होएगा।
तितकर जाए बसे अविनाशी, वो अविनाशी के घर में जाके बस गया। अविनाशी कौन है? परमेश्वर। अविनाशी कौन है? आत्मा। आत्मस्थिति वाला पक्के घर में, बाकी सब कच्चे घर में। आप कहाँ हो? कच्चे में कि पक्के में? और जो इस अविनाशी के घर में बस गया, कहते उसके जम की फांसी कट जाती है। फांसी बोले तो रस्सी, मौत की रस्सी अब उसके गले में ना आवेगी, कट गई, अब नहीं आती। बोले संत मरते नहीं ना? संत लीन होते हैं, मरते नहीं है। पंचभूत पंच महाभूतों में लीन, प्राण महाप्राण में लीन, मन माया में लीन, बुद्धि अहंकार में लीन, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है ही। मरा कौन? कोई भी नहीं। संत नहीं मरते। हा ना मुआ मेरी मुई बलाए, कबीर कहते हैं मैं नहीं मरा, मेरी बला मर गई। मेरी बला मरे, बला मर सकती है, मैं क्यों मरूं? मैं तो मरता ही नहीं, मर सकता नहीं, मैं आत्मा विनाशी। तत्व विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो का चोकाचा। सच्चा कौन है? जो ये तत्व की विचार करे, और जो तत्व की विचार ना करे वो तो कच्चा है, कच्चा बर्तन टूटता है। पीतल की गगरी हो वो टूटेगी के कच्चे मिट्टी का घड़ा हो वो टूटेगा? क्या टूटेगा? मिट्टी का घड़ा। सोचिए कोई घड़ा ऐसा हो जो डायमंड का बना हो। डायमंड इज द मोस्ट टफेस्ट स्टोन। उसके टूटने का डर होगा क्या? भैया आप बर्तन लेते हो तो अनब्रेकेबल क्रॉकरी लेके बड़े खुश होते हो कि दो बार, चार बार, छह बार, दस बार, बीस बार गिर जाएगी तो टूटेगी नहीं, ये क्रॉकरी अच्छी। डोंट बाय फ्रजाइल। फ्रजाइल समटाइम्स लुक्स वेरी नाइस बट नो यूज। शरीर फ्रजाइल है। सच तो है शरीर बना ही रोगी होने और रोगी होके मरने के लिए। इसको आप कितना कुछ खिला लो पिला लो, फिर ये मुआ धोखा दे जाएगा। मैं एक महात्मा को, संत थे, उनके आना जाना था बचपन में मेरा बहुत, तो मैं देखती थी वो ऐसे शिलाजीत का इतना बड़ा उनके पास एक गोला सा था, पता नहीं कोई खास ही था। उस समय इतनी बुद्धि नहीं थी, बालपने में इतनी समझ नहीं थी कि उसको इन्वेस्टिगेट करे या उनसे पूछे, पर ये देखती थी वो सुबह में एक समय गाय का दूध पिएंगे, फिर शाम को एक बार गाय का दूध, फिर रात को एक बार, तीन बार वो दूध पीते थे। भोजन भी खाते थे पर दूध भी पीते थे। तो हर बार जब उनका दूध गर्म होके आता तो वो स्टील के ग्लास में उसको डाल देते और ऐसे 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 हिलाते रहते थोड़ी देर, और फिर उसको निकाल देते, रख लेते और पी जाते। काफी स्वस्थ रहे शरीर से वो, लेकिन 73 में आकर के हार्ट फेलियर से डेथ हो गई। बड़ा पक्का नियम संयम से रहने वाले। कई लोग जब मैं ऐसी बात करती हूं तो वो ऐसे मूढ़ हैं, मूढ़ का बोलूं, मूढ़ों के सरताज, मूढ़ शिरोमणि, मूढ़ों के बादशाह, वो कहते इसीलिए तो हम संयम नहीं करते, मर तो जाए नहीं, इसीलिए तो हम आसन नहीं करते, मर तो जाए नहीं, काहे करो काहे करो। हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, वो इतना नियम संयम से रहे, गाय का दूध पीना, डालडा घी नहीं खाते थे, हमेशा देसी घी खाते थे। डू यू नो दिस? आज इस चीज के ऊपर बड़ी रिसर्च की गई, गाय का देसी घी दवा है, औषधि है। और गाय का देसी घी, देसी गाय का, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी खाने से कभी कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, उल्टे हाई हो तो कम होगा।
हम बचपन में जब सुनते ना, और जलेबी खाई थी ना इसलिए हमारा गला खराब हो गया, जलेबी डालडे घी की थी, तो बड़ी हैरान होती इसे कैसे गला खराब हो जाता है, देसी खाएंगे और मोटा अनाज खाएंगे, वे टू मैनी इफ्स एंड बट्स, क्या खाना क्या नहीं खाना, बड़ा परहेज, बड़ा ख्याल रखा उन्होंने, चले गए। स्वामी बुआ जी योगा मास्टर, 126 वर्ष, आंखें चलती, कान चलते, जुबान चलती, 124 वर्ष में भी ऑल अमेरिकन कराटे चैंपियन को पटखनी दे के गिरा के आए थे, पर 126 में गए। देह कच्ची है, देह जानी है, ये देह का स्वभाव। जो जितने संयम नियम से जी लेता है वो इस शरीर को निरोगी रख के लंबे समय तक जिएगा, कुछ साधना कर लेगा, कुछ प्राप्ति कर लेगा, नहीं तो आवागमन बना रहेगा। अगली पंक्ति, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यो रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, तेरा आना जाना छूटे जब तू हरि की सेवा करे। हरि की सेवा क्या है? हरि कहाँ है? किसी एक जगह तो है नहीं, वो तो व्यापक है, हम उसकी सेवा कैसे करें? भैया हरि का स्मरण करना ही हरि की सेवा है। अपना अहंकार कहते छोड़ो और गुरुदेव की शरण में जाओ, आप त्याग शरण गुरुदेव, ऐसे तेरे इस अनमोलक रत्न जन्म का उद्धार हो जाएगा, बड़ा कीमती है। हर हर सिमर प्राण आधार, हरि का स्मरण कर, तेरे प्राणों का उद्धार हो जावे, हरि का स्मरण कर। अनिकई उपाव ना छूटन हारे, सिमरत सासत वेद विचारे, कहते मैंने ये देख लिया, स्मृतियां पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, चारों वेदों का विचार करके ये बात समझ में आ गई है, जब तक हम ये नहीं करेंगे और किसी उपाय से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। तो अपने आप को स्मरण में लगाओ, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, हरि की भक्ति करो मन लगा करके, मन बंछत वांछित शब्द है हिंदी का, वांछित का ये दूसरा रूप, बांछो, जो तुम चाहते हो मन से चाहते हो वह फल तुमको मिल जाएंगे। अब इसमें फिर लोग अपनी दुनियादारी ले आते, भाई मेरे मन की तो इच्छा है मुझे MBBS में सीट मिल जाए, मेरे मन की इच्छा है इंजीनियरिंग में सीट मिल जाए, अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, मेरे मन की इच्छा है मेरा एक बंगलो बन जाए, मेरे मन की इच्छा है मुझे अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। लोगों की तो ऐसी ही इच्छाएं, वो जब ये लाइन पढ़ते हैं ना पट से उनको दुनियादारी याद आ जाती है, अरे वाह वाह वाह, सुखमनी साहब पढ़ो और मन की इच्छा पूरी करो, बड़ा चलता है ये। एक ने कहा मैं रोज पढ़ रहा हूं, इच्छा नहीं पूरी हो रही, इच्छा फिर पूरी नहीं हुई, फिर कहते पता नहीं भगवान हमसे क्यों नाराज। सच्चे पातशाह मेर कदों करोगे, भगवान से लड़ने लग जाता, फिर सब पे हो रही, हमारे पे ही कोई क्रोध है भगवान को। मन वंशत की जहाँ बात आती है तो वहाँ देखिए सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति की बात अगर होती तो हम रोज ये अष्टपदी लेने से पहले एक बात कह रहे हैं, भगत जना के मन विश्राम, ये वाणी भक्तों के लिए है जो इस सत्य की राह पे चलना चाहिए, दुनियादार लोगों के लिए है ही नहीं। काश ये समझा जाता कि ये पाठ बने किस लिए, किस लक्ष्य से गुरुदेव ने बनाए हैं। देखिए हम अभी तक इतनी लंबी यात्रा कर चुके हैं,
कहीं एक बार भी ऐसी बात आई कि तू नाम जपेगा तो तेरे पुत्र पैदा हो जाएगा? आई कहीं कोई पंक्ति कि तू नाम जपेगा तो तेरी बड़ी कोठी बन जाएगी, तेरा बिजनेस चल जाएगा, तेरा मुकदमा जीत जाएगा? कहीं भी गुरुदेव ने ऐसा बोला ना? लोगों ने अपने मन से बातें बना ली। बड़ी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन जिस श्रद्धा में ज्ञान की आंख ना हो उसे अंधश्रद्धा कहते। ये वाणी परमेश्वर से जोड़ने के लिए है, हमें मोह ममता से ऊंचे उठाने के लिए है। इस वाणी का इस्तेमाल मोह ममता में फंसने के लिए नहीं करना चाहिए। दया आती है, दिल में बड़ी करुणा आती है उन सब लोगों के लिए जो इसका पाठ तो करते हैं पर समझते नहीं कि ये किसके वास्ते है। देखिए अगली पंक्ति ही इसी बात की फिर पुष्टि कर रही है। संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूरख मना। क्यों लिपट रहा है धन के साथ ए मूरख मन, धन ने तेरे साथ नहीं जाना। अब बोलो यही पाठ करके वो सोचते हमारा पैसा ज्यादा बन जाए? एब्सोल्युटली अपोजिट इमोशंस। वो कह रहे हैं तेरे संग नहीं चलना, इसके पीछे क्यों लग गया मूरख? मूरख कह रहे। अगली पंक्ति देखिए इससे बढ़िया। सुत मीत कुटुंब अरबनता, इनते कहो तुम कवन सना था। सुत माने पुत्र, दोस्त, कुटुंब माने आपका फैमिली, बनिता माने आपकी पत्नी। इनते कहो तुम कवन सना था, इन सब के होने पर तुम सनाथ कैसे हुए? सनाथ मतलब अनाथ के विपरीत। अनाथ वो जिसका कोई ना हो, सनाथ माने जिसके सब हो। कह रहे अरे पागल, बेटा, दोस्त, पत्नी, मित्र, इन सब के होने से तू अभी भी अनाथ ही है क्योंकि परमात्मा तेरे साथ नहीं है, अभी भी अनाथ। अब कोई बोले सुखमनी साहब पाठ करने से लड़का पैदा होगा, दुकान नहीं चलती, सुखमनी साहब का पाठ कर लो। महाराज यहां क्या कह रहे हैं? वाणी को देखिए, वाणी जो कह रही है उसको सुनिए, वाणी जो कह रही है उसको समझिए, मन के सब भ्रम दूर हो जाएंगे। राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार। ये माया के सब रंग, ये माया के सब राज, ये जितना विस्तार तुम देख रहे हो इससे तुम्हें कौन छुड़ाएगा? अरे पापी मन तू क्यों इसमें फंस गया? कौन छुड़ाए? अब आगे उदाहरण दे रहे हैं, ये माया का विस्तार क्या है वही बता रहे हैं गुरुदेव। कहते हैं अश्व, हस्ती, रथ, असवारी, झूठा डंफ, झूठ पासारी। अश्व घोड़ा, हस्ती हाथी, रथ असवारी, बैलगाड़ी की सवारी हो सकती है, ऊंट की सवारी हो सकती है। बोले ये झूठा डंफ, ये झूठ का दिखावा है, और झूठ पसारी, और झूठ का ये संसार पसारा है। जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम विसार नानक पछताना। जिसने ये अश्व, हाथी, रथ, असवारी, सुत, मीत, कुटुंब, बनिता तुझको दिया, उसी को भूल गया, पछताएगा। जिसने दिया उसी को भुला दिया, हाउ कैन यू बी हैप्पी? यू कैन नॉट लिव हैप्पी। गुर की मत तू ले आने,
भगत बिना बहु डूबे स्याने। गुरु की मति ले, गुरु जो शिक्षा दे रहा है वो ले, और इसी शिक्षा के साथ तू समझदार होगा, और बिना इस शिक्षा के तू अनजान अज्ञानी रहेगा और इसी अज्ञानता में मरेगा एक दिन। हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, तेरा चित्त निर्मल हो जाए। भक्ति कर, हम जिसे याद करते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। ये संगत का रंग ऐसे चढ़ता है कि क्या कहने। आप दुनियादार लोगों के साथ ज्यादा बैठते रहिए, खाना पीना गप्पे जो मारते रहे दिन रात, ऐसे लोगों के साथ बैठते रहिए, थोड़े दिन में आप भी वैसे ही हो जाओगे। पता भी नहीं चलता कब। संगत साधु की करे। चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे। किल्विक, काले, ये विषयों के संस्कार जो तेरे मन पे पड़े हैं ये सब दूर हो जावे जो तू स्मरण करे, जो उसके चरणों का चिंतन करे। तो गुरुदेव कह रहे हैं बाकी सब काम छोड़ो और आप जपो, अवरा नाम जपाओ, सुनत कैत रैत गत पाओ। भजन करो, दूसरों को करवा, खुद भी करे दूसरों को भी कराए। अब आप कहो जी दूसरे तो सुनते नहीं, दूसरे हमें गाली देते हैं और हमें पागल कहते हैं। तुम्हारे अपने निश्चय में कुछ कमी है, तुम्हारे जप में कमी है, तुम्हारी पर्सनालिटी में कमी है, इसलिए वो नहीं सुनते। अगर आपका करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो, जप की शक्ति, जप की ऊर्जा से तुम्हारा अंदर बाहर भरा हुआ होगा, जिसको जो कह दोगे वो करेगा। अभी क्यों नहीं करते, अभी तुम खुद ही कच्चे हो। इसलिए पहले कहा आप जपो, खुद जप करो, फिर दूसरों को करने की प्रेरणा देने की बात आती। आप ही नहीं करता तो दूसरों को कैसे कह सकता है। आप जपे, दूसरों को जपाए, फिर सुनते कहते रहते गत पाए। सार भूत सत हर को नाओ, सहज सुपाए नानक गुण गाओ। सब चीजों का सार एक, एक सार, एक काम कर, बस यही काम कर। सार, सब चीजों का सार एक ही है। सहज सुभाए हरि का गुणगान चलता रहे, सहज, मुश्किल नहीं बनाना चाहिए उसको। एक सज्जन सत्संग सुने, बड़ा आया जोश, अलार्म लगाया, सुबह 3 बजे उठ गए, 3 बजे उठ के 2 घंटे जप किया उन्होंने, फिर थोड़ा सैर वैर करी और जो उनका रूटीन था डे का वो हो गया चालू। अगले दिन भी 3 बजे उठे, अगले दिन भी 3 बजे उठे, अब रोज सुबह 3 बजे उठ रहे हैं और रात सो रहे थे वो जैसा उनका रूटीन का टाइम था 10:30, तो 4-6 दिन तो उठ गए, उसके बाद शरीर साथ न दे। आज अगर आप 10 बजे सो के 4:30 उठते हो, बॉडी को एक आदत हो जाती, बॉडी का एक क्लॉक है सिस्टम में, अब सडनली आप बहुत जल्दी उठने लग जाएंगे, बॉडी क्लॉक अपसेट हो जाएगा, उसमें शरीर अस्त व्यस्त होता। एक और मैंने व्यक्ति को देखा, रोज 2 बजे उठ जाते,
दो बजे उठे, चार पांच बजे तक वो बड़े सारे पाठ करते थे, माला फेरते, सब कुछ करते, कर करा के 6:30 बजे उनका बड़ा हैवी नाश्ता वो खाते, खा के फिर रजाई तान के सो जाते, फिर वो उठते शाम को और खाते पीते रोटी, दो समय खाते, एक सुबह एक शाम को, फिर शाम को रोटी वगैरह खाई, आधे एक घंटे समय लो थोड़ा बहुत जो कुछ इधर उधर का किया, और वो फिर से सो जाते 7:30-8 बजे सो जाते। वो 8 बजे सोएंगे तभी तो 2 बजे उठेंगे, ये भी अच्छी बात है। अब चूंकि वो रिटायर्ड इंसान थे और कुछ करना नहीं था, कर लो, लेकिन जिसने नौकरी जाना है, ऑफिस जाना है, काम करना है, वो कैसे कर सकता है ऐसे? तो देयर शुड बी सम डिसिप्लिन। सुबह 5 बजे उठना है तो 10 बजे तक सो जाइए, और अगर समय मिले, शरीर आपका हैवी वर्क कुछ करते हैं, तो एक आधे घंटे का आफ्टरनून सीएस्टा, दोपहर में थोड़ी देर आराम कर ले। डोंट ओवर डू इट, सहज सुबह है, 4 दिन तो उठ जाएगा जल्दी, बाद में मुश्किल नहीं, सहज सहज। गुणगावत तेरी उतर सुमैल, बिनस जाए हो मैं बिख फैल, गुण गा गा के तेरे मन की मैल उतर जाएगी, और तेरी ये जो अहंकार की बदबू है ना, वो भी दूर हो जाएगी। एक चीज मैं इसमें अब कहना चाहूंगी, बार बार ये तो कह रहे हैं नाम जपो सुमिरन करो, और सुमिरन कैसे करना है अभी तक ये नहीं कहा। There is something still which is untalked about. इसलिए वो बार बार कह रहे साधु संग बैठ, वहीं से पता चलता है कैसे होता भजन। कुछ चीजों को रहस्य रखना पड़ता है। हो हे अचिंत बसे सुखनाल, सास ग्रास हर नाम समाल, निश्चिंत हो अचिंत, निश्चिंत हो जा, कैसे? बोले परमेश्वर के साथ। अगर आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास है, प्यार है, मोहब्बत है, तो आपको चिंता नहीं हो सकता। अगर है तो सोचे, आपका बच्चा, आपका पोता, आपका कोई भी परिवार में बच्चा जो है वो आपके पास आए और वो कहे आज तो खाने को रोटी मिल गई है, रात को भी दे दोगे ना मुझे, मुझे भूखे तो नहीं मार दोगे, मैं सो जाऊं सोते में मेरा गला तो नहीं दबा दोगे, बच्चा आपसे पूछे। सच तो ये है, इनके ऊपर तो संशय करना ही चाहिए, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कल के ही समाचार पत्रों में पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर में, एक पति पत्नी का आपस में झगड़ा था, पति पत्नी अलग रह रहे थे, इनकी 1.5 साल की बच्ची थी, है मतलब अभी भी है बच्ची, पत्नी अपने किसी रिश्तेदार के घर रुकी हुई थी, बाप उसके घर आया तो मिलने के लिए, और बोलता मैं इसको थोड़ा घुमा दूं, ले जाओ। इस कलजुगी राक्षस बाप ने उस बच्ची का बलात्कार किया और उसे खून में लथपथ उस रिश्तेदार के घर में छोड़ा है। इन पे संशय करना बनता है, इन पे, ये दुनियावी माँ बाप पे भी शायद संशय करना बनता है, लेकिन जिसका मन परमेश्वर से जुड़ा है उसके मन में कभी कोई चिंता आ नहीं सकती। ये अज्ञानी जीवों का कोई पता नहीं, जो आज मोहब्बत कर रहे हैं वही कल मार दें,
अजब। पोता दादी को मार देता है, बेटा बाप को मार देता है, बेटा माँ को मार देता है, भाई बहन को मार देते हैं, किसी भी बात पे मार सकते। गुस्सा आ गया था, पैसे मांगे थे, किसी चीज से मना किया था, लड़की कॉलेज पढ़ने नहीं जाएगी इस बात के लिए, एनी रीजन। कैसे राक्षस हैं लोग, जिनके जीवन में कोई संत नहीं है ना, वो राक्षस ही है। राक्षस कौन होते? उन्हीं जिनके से सींग निकले हो, बड़े बड़े दांत और नाखून होते। राक्षस मतलब दोज हु आर क्रूअल, क्रूर, कठोर। जब मैं ये कहती हूं संत का संग नहीं है, तो संत से क्या मिलता है? ज्ञान, विवेक, मानवता, नैतिकता, धार्मिकता, मोहब्बत, प्यार, इखलाक मिलता है उनसे, ये सबक मिलता है। जिसके पास ये नहीं है वो आदमी भरोसे के लायक नहीं, वो बात अलग है। दुनिया में ठग साधुओं की भी कमी नहीं और ठग चेलों की भी कमी नहीं है, तो ये झूठे ठग चेले जो हैं ये अपने संतों पीरों की कसमें खा करके लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, वो भी एक अलग चैप्टर है। ये दुनिया के ऊपर विश्वास करने वाले का विश्वासघात हो सकता है, लेकिन जिसको परमेश्वर पर विश्वास है उसके मन में कभी कोई चिंता नहीं आती। क्यों आएगी चिंता उसके मन में? आती नहीं, आ सकती नहीं है। गुरुदेव कहते हैं अगर मेरा मन परमात्मा के साथ जुड़ जावे तो मेरे मन के अंदर कोई चिंता आएगी नहीं, मैं अचिंत हो जाऊंगा, और जो मैं अचिंत हो जाऊंगा तो मैं आनंद में जी। दुनिया में लोग आपसे मोहब्बत करते हैं आपकी कोई अच्छाई, खूबसूरती या अकल देख के। जिसमें खूबसूरती ना हो, जिसमें कोई अकल ना हो, उससे कोई दोस्ती नहीं करता। परमात्मा नहीं देखते। ये एक शब्द सुने, गुरुदेव कहते हैं वाह वाह, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना बिचारो कोई। मैं मिट्टी का बना पुतला प्रभु, मेरे ना गुण देखिए ना मेरे अवगुण देखिए, बस अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पर रखिए। कृपा कृपाल कर, कृपा कृपाल कर, कृपा कृपाल कर, कृपा कर, कृपा कृपा।
जिसके मन में परमेश्वर का नाम है उसके मन में कोई चिंता को जगह हो नहीं सकती। गुरुदेव कहते हैं गुणगावत तेरी उतर समैल बिनस जाए हो मैं बिक फैल हो है अचिंता बसे सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल। सास ग्रास हर श्वास, हर श्वास में कहते हैं उसको याद रख। चांद से आनप सगली मना साध संग पावे
सचेतना। दुनिया की संगत छोड़, दुनिया क्या है तेरे मन में, तो मन की संगत छोड़, अनिर्विचार कर, मन की संगत मत कर, और फिर अपने अंदर उस सच रूपी धन की प्राप्ति कर लेगा। हर पूंजी संस करो व्यवहार, यहा सुख दर गय जयकार। इस धन को, पूंजी अर्थ, इस धन को प्राप्त करके तेरा व्यवहार भी सच वाला सुंदर हो जाएगा, और यहां इस दुनिया में सुख मरेगा बोले तो भी सुख। सर्व निरंतर ये को देख, कौन नानक जाके मस्तक लेख। सब में उसी एक को देख, सब में उसी एक परब्रह्म को देख, बोले देखेगा कौन जिसके ये लेख में होगा। देखना, फिर बात कह दूं, लेख कोई और नहीं लिखता, तुम लिखते। So if something is not good in your life, then you are responsible for that. तुम कहते हो ग्रोथ नहीं होती, सोचते हैं अध्यात्म में बढ़े, बढ़ते नहीं है, बढ़ते नहीं, इसलिए क्योंकि मन की रस्सियां बहुत सारी हैं ना, बांध के रखा है खुद को, कहाँ उड़ोगे तुम। जो पक्षी आकाश में उड़ना चाहे उसे अपनी सब गांठें खोलनी होती हैं, मन की गांठें खोलो, उड़ो। एको जप एको साला है, एक सिमर एको मन आहे। एक का ही जप कर, एक की सलाह, सलाह मने प्रशंसा, स्तुति। एक का ही सिमरन कर और उस एक को ही मन के अंदर आने दे। अब एक को मन में आने दे तो वो तभी होगा जब बाकियों को मन से जाने दे। आप कहते हो मन में दुनिया भी रह जाए, भगवान को भी एक कोने में बैठा ले, ना वो बड़ा मस्त है, बड़ा नखरीला है, कितना पूरा मन चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, कंप्लीट, पूरा मेरा हो। हम कहते हैं मन में दुनिया भी चलती रहे, ये भी चलता रहे। मन तो पूरा उसको देना पड़ेगा, तन भले दुनिया में दे दो। एकस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एक के ही गुण गा और उसके गुणे अनंत, तो मतलब तेरे देह मन का अंत हो जाएगा, गुणों का होना नहीं। कोई सत्संग में जाने वाले प्रेमी को एक निंदक ने कहा, अरे रोज एक ही कथा सुनने जाते हो, अभी तक समझ नहीं आई, अभी तक समझ नहीं आई, फिर वही बात सुनने जा रहे हो। ने कहा समझ नहीं आई, गलती खा रहे हैं, इसलिए जाना पड़ रहा है। सही बोला तुमने, जिस दिन समझ आ गई उस दिन जाने की शायद जरूरत ना रह जाए, पर आज है इसलिए आज जाएंगे, आज सुनेंगे। मन से तन से कहा जप कर, हम तन से तो कर लेते हैं, हम मन से नहीं करते। माला हाथ में ले ली, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, राम 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 राम, श्याम श्याम, ये उंगली हिला लेते, जीभ हिला लेते हैं, मन नहीं हिलाते। मन में होना चाहिए नाम, मन में भी हो तन में भी हो। कई लोग कहते हैं हम ना बैठ के एक भजन नहीं करते, मन में कर लेते, बड़े बेईमान लोग। वो कह रहे हैं जो मन में होता होगा तो तन में नहीं आएगा। जब मन में तुम्हारे गुस्सा आता है तो क्या गुस्सा वो तन पे नहीं दिखता है? जब लालच मन में आता है तो तुम्हारे तन में लालच नहीं दिखता? कोई खाने की चीज देखी, मन में लालच आया, मुंह में राल नहीं टपक जाती? मन में दुख आया हो, आंखों से आंसू नहीं छलक आते? मन में रोष आया हो,
तो जुबान पे तेरे गाली नहीं आ जाती, मुख के हाथ पैर नहीं तेरे चलने लग जाते पिटाई करने को? जो चीज मन में होती है वो तन में भी होती, पर ये जरूरी नहीं जो तन में हो वो मन में भी हो। इसलिए गुरुदेव कह रहे पहले मन फिर तन, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरे आप, पूरन पूर रहो प्रभ व्याप, अनिक विस्तार एक ते पे, एक अराध पराक्षत गए। वह एक परमात्मा आप ही है, वो एक ही सब में है, सब विस्तार में होके भी एक ही है, वो अनंत नहीं हुआ पर हुआ भी। जैसे जल एक ही है पर उससे लहरें बूंद सागर में कितने किस्म की बन जाती हैं, पर पानी फिर भी एक है। जल एक से अनेक हो गया फिर भी जल एक, ऐसे ही वह एक परमात्मा ही अनेक रूपों में हमें दिख रहा है, पर वह अनेक होके भी एक ही था, है और रहेगा। पूर्ण है, पूर्ण रूप से व्यापक है, अनेक विस्तार, ये जितना देख रहे हो जगत वो सब उसी एक से हुआ है। उस एक का ही ये पसारा है, इसलिए उस एक की आराधना कर। पराचित गए, निरीक्षित हो, उसके धामों को जाओ। मन तन यंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नान कई कजाता। मन में तन में एक ही प्रभु को मैं राता, रचा हुआ व्यापक महसूस करता। तन में भी मन में भी, मन में उस एक परमात्मा को देखता हूं, और उस एक को मैंने जाना गुरु की कृपा से, प्रसाद। कहीं एक बार नहीं उन्होंने बोला मैंने साधना करी मैं भगवान खोज लिए, हर बार एक ही बात बोलते गुरु की मेहर से। जरा तुम अपने आप को देख लीजिए, मैं गई थी, मैं आई थी, मैं ये किया था, मैं वो किया था, मैं ना होती ना सब खराब हो जाता, मैं थी ना सब ठीक हो गए। ये मैं का राग लापते हो, कभी तुम्हारे मुंह से निकलता है गुरु की मेहर हुई ठीक हो गया, गुरु की मेहर हुई समय पर नजर पड़ गई, गुरु की मेहर हुई परमेश्वर की मेहर हुई बिगड़ने से पहले काम संभल गया, गुरु की मेहर हुई सब चीजें अच्छे से हो गई। मैंने जिक्र किया था ना, एक महिला को मैंने बोला था कि दिन में तू जितने बार मैं मेरा बोले उतने बार लिख। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, इसे करके देखिएगा, क्योंकि लिखना है तो आपको याद भी रखना पड़ेगा, और जब जब बोलेंगे तब उसकी गिनती भी याद रखनी पड़ेगी, तभी तो सम टोटल पूरे दिन के आखिर में पता चलेगा ना दिन में कितने बार मैं बोला। अगर उसके 2-3 हजार बार मैं आया, आपके भी कम नहीं आएगा, ज्यादा ही आ जाएगा शायद। भजन करें उस एक का, निश्चय से मन में तन में, और मिलेगा प्रभु आप अपनी ही कृपा से आज की।